तो भाई अभी चलेंगे भीतर गनी, और वहाँ पे जाने के लिए मेरे को शॉर्टकट रोड मिल गया। सो अभी मैं बोट पे बैठा हूँ भाई, और इस एरिया में आते ही ना आपको अगर कहीं पे जाना है तो आपको हमेशा जो है फेरी, लोकल फेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको हमेशा। और इस जगह से आप प्राइवेट बोट लेके भी भीतरगनी का जा सकते हो, और उसके लिए आपको बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा महंगा है, कह सकते हो कि 3 से 4,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। यहाँ पर एक गांव है, उस गांव का नाम सातव भैया है, और वो गांव कहते हैं कि समुंदर के अंदर डूब गया है। तो मैं कोशिश किया था उस गांव में जाने के लिए, पर वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मुझे रोक लिया, और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे जाना अलाउड है नहीं। तो फिलहाल भाई देख रहे हो यार, और दो दो फॉरेस्ट ऑफिस पे भी मैं गया और परमिशन लाने के लिए कि मेरे को एक घंटे के लिए बस छोड़ दो, मुझे बस देखना है कि वो गांव कितना सा बचा है। और कहते वो गांव जो है डूब गया है, अभी और बात करूंगा भाई सुनाई नहीं देगा ज़्यादा कुछ, अभी उस पार चल के बात करते हैं, है ना। भाई हेलमेट पहना हुआ था यार, तो अभी हेलमेट उतार दिया हूँ, और धूप जो है भाई आँख से देख नहीं पा रहा हूँ बाहर, इतना ज़्यादा धूप है यहाँ पर, और पानी से धूप जो है ना रिफ्लेक्ट होते पूरा आँख में आ रहा है भाई, देख नहीं पा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, बहुत दिक्कत हो रहा है देखने में मुझे, आँख बंद हो जा रहा है मेरा। बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 5 रुपीज़ चार्ज करते हैं, पर अगर बाइक है आपके पास तो 15 या 20 रुपये चार्ज करते हैं लोग, 100-150 मीटर के आसपास जर्नी था। अभी लगेगा किनारे पे, रो रो तुम वसो ही गणा हां वसो आसो ना यारे, कितने पैसा वसो आगे, कितने पैसा तो गट्टा के ले दे छे नहीं, तुम वसो हम बसि बानी भाई, पीछे जा गाड़ी दो, काड़ा दो भाई। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना मेरे को आज बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा है, और बड़ी मुश्किल से एक जगह पे खाना मिला, थोड़ा सा वहाँ पे खाना खाया भाई, और खाने का क्या बोलूँ, अभी फ़िलहाल होटल हंट पे हूँ मैं, एक रूम ढूंढ रहा हूँ ताकि आगे जो है भीतरगनिका के अंदर जब जाने से पहले ना सामान थोड़ा सा रख के जाऊँ, क्योंकि 2 बैग को अगर मैं लेके अंदर गया तो फिर वापस आने में या फिर उस बोट में कैरी करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये है भाई रूम, पता नहीं रेंट क्या है, अभी जाके उनको पूछ के बताता हूँ, ये छोटा बच्चा है भाई, इसको पता नहीं है कि रेंट क्या है इस रूम का, पर अच्छा खासा रेंट होगा मुझे जो लग रहा है। राइट हाँ भाई, भीतरगनिका में हो तो हर चीज़ है, बेसिकली एक कॉटेज है ये, पता नहीं रेंट क्या है उसको जाके पूछ के बताता हूँ मैं, ये कॉटेज है। कितने का चंद रेंट बड़ा 2500 गोटे राती भाई ना 24 घंटा भाई ना ना गोटे राती बस गोटे राती भाई हाँ। चेक आउट 8-9 बेले ना कोनो हां टिके कम रेट रे गोटे रूम मिलिवनी से नंबर रे कथा मु जणो को जणे अछि ना आपण बेसी रेट हे जाउ छी मते नंबर रे कथा बंद हम से भलो ना केमती अछंदी सेइला तो रही छु आ तो ये रहा भाई भीतरगनिका एंट्री करने के लिए, ये रहा टिकट, और इसके लिए आपको आईडी देना पड़ता है कुछ भी, एक जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो आईडी है, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड कुछ भी, तो वो चल जाता है, और पर पर्सन के लिए जो है 40 रुपीज़, और मेरे पास कैमरा है जिसकी वजह से, और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया मैंने कैमरा, अगर कैमरा लेके अंदर जा रहे हो तो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और टिकट को भाई पहले संभाल के रखता हूँ, मेरा एक बुरी आदत है, मैं चीज़ें जल्दी भूल जाता हूँ भाई, थोड़ा सा गजनी प्रॉब्लम है नेवर माइंड है, तो इसीलिए थोड़ा इसको पहले संभाल के रखता हूँ, कहीं पे गिरा दिया ना फिर जाने के टाइम में पता चला फिर फाइन दे के जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है यार, ये देखो वे टू बोटिंग पॉइंट 1 किलोमीटर बचा है यार, मतलब अभी अगर मैं 1 किलोमीटर अंतर चला गया ना तभी मज़ा आएगा, जाना तो पड़ेगा। ये देखो भाई ये देखो, पता नहीं कौन सा जानवर है, क्रोकोडाइल है क्या है, ये देखो यार दौड़ के जा रहा है, ये देखो जंगल के अंदर भाग रहा है। आगे की घर
गेस्ट हाउस माने को माने गेस्ट माने को टाइप रो गेस्ट एठी जो माने ऑनलाइन ला बुक करिक ना से माने आसी रहिए। हां हां केते टका केते रेंट कदन हो जन जान तो समथिंग 5000 है समथिंग 5000 टका। हां महंगा है थोड़ा, पर ऐसे जगह पे अगर आपको रात गुजारना है तो थोड़ा तो पे करना पड़ेगा भाई। जाई पर तो ठीक अच्छे शांति जगह खाली आम लोक मैंने अशांति कर सब गड़ काटिक ये है एक बड़ा सा क्रोकोडाइल का स्केलेटन ना कौन यहाँ पे लिखा हुआ स्कल ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल 18 feet स्कॉल मतलब हेड होता है, तो ये 18 फीट क्रोकोडाइल का सिर है, हेड है, और जितना फीट क्रोकोडाइल का है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये किसका है? वो इरावड़ी डॉल्फिन है। डॉल्फिन का स्केलेटन स्कॉल, डॉल्फिन का स्कॉल है। ये हिरन का सांबर, सांबर सांबर, और ये डियर ब्लैक बग, ब्लैक बग, ब्लैक बग। हाँ नीचे लिखा दैट वन गैंजेटिक डॉल्फिन एंड ये डॉल्फिन का है दैट वन लेसर आर्जुस्टन स्टॉक। एक्चुअली आर्जुस्टन स्टॉक सारे साइंटिफिक नेम है या फिर क्या बोलते हैं जूलॉजिकल नेम है, सर, सर, है ना, साइंटिफिक तो नहीं जूलॉजिकल नेम है, पर ये चीज यहाँ पे आने से पता चला, मैंने तो कभी जिंदगी में सुना नहीं था भाई। एक्चुअली सर देखो चंदे होटल रे ये सब एमानको फॉर्मलिन रे फ्रीजर करा है चंती नेचुरल डेथ परे यूठो कलेक्शन करके फ्रीजर करा है, फ्रीजर करा है, टच करियो बनी नहीं कि नहीं। इसके अंदर सारे जो है ना क्रोकोडाइल्स जितना भी जानवर है सारे इसका इनका डेथ होने के बाद इसको कुछ केमिकल देके इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है ना। ये एक लॉबस्टर है और बहुत सारे चीज है, ये क्रोकोडाइल का बच्चा है। एक्चुअली ऊपर वाला सर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स, कोबरा, प्लेट एंड पाइथन। ये देखो यार कितना बहुत सारा स्नेक भीतर कन के है, साफ है ये। इंडियन रॉक पाइथन, बैंडेड क्रेट, किंग कोबरा, ये सर अंडा के अंदर है अभी भी, आधा अंडा के अंदर है, आधा सिर निकला उससे पहले वो मर गया। दिस वन क्रोकोडाइल एग, सबसे लार्जेस्ट स्कल सर लुक हियर दैट वन 19.8 इंचेस ऑलमोस्ट 20 फीट ऊपर वाला एट है नहीं कि ऊपर वाला ऑलमोस्ट 20 फीट रिकवरी 2005 बट नीचे वाला 17.2 इंचेस रिकवरी 2007 ऑल आर नेचुरल डेथ एंड कलेक्शन फ्रॉम भीतर कनिका रिवर है। ये है भाई पूरा स्केलेटन जो कंप्लीट बॉडी है ना ये है। ओ आओ इतना बड़ा है एक इंसान ना उसका मतलब इसका स्कल ये वाला क्रोकोडाइल का स्कल इतना बड़ा है ना को एक इंसान चला जाएगा इसके अंदर मुंह में है ना। इतना बड़ा है देखो आओ पिक्चर का सर रखिए सबसे लार्जेस्ट स्कल भीतर कनिका है 19.8 इंचेस ऑलमोस्ट 20 फीट दैट वन ग्रीनिश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्केलेटन है बट लाइफ क्रोकोडाइल जो भीतर कनिका है 23 फीट नेम कालिया वो अभी भी है अभी भी है 23 फीट समथिंग दैट वन 23 फीट नेम कालिया। एक्चुअली जो कालिया गोरी मल्ली दीज आर द नेम्स बट एक्चुअली भितरकनिका टोटली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मींस ब्रैकिश वाटर क्रोकोडाइल सो दैट लोकल नेम बौला। एक्चुअली भितरकनिका टोटल बौला फैमिली क्रोकोडाइल है।
जेनेटिक नेम भाई धन्यवाद पुणी फेरिले देखा हबो इनका जो नाम है ना वो है मल्ली मल्ली क्रोकोडाइल इसका नाम। हाँ भाई साहब अंदर सोए हुए हैं और यहाँ पर एक अम्मा जी हैं और उनका नाम है गोरी क्रोकोडाइल। और गोरी का मतलब पता ही होगा आपको भाई, गोरी का मतलब होता है वाइट। सो ये है वाइट क्रोकोडाइल और एक अम्मा है लेडीज़ है और एक कोने में सोए हुए हैं भाई। आपको दिखाता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा यार, यहाँ पर सोए हुए हैं ये। यहाँ पर जो है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो है पानी जहाँ पे ख़त्म हुआ है, क्योंकि उस तरफ जो है ना धूप है जिसकी वजह से वो यहाँ पे सोए हुए हैं। ये देखो, मैं तो भाई जंगल के अंदर तो घूम रहा हूँ पर सडनली कहीं आगे से क्रोकोडाइल ना आ जाए पैंट उठा के दौड़ना पड़ेगा फिर। और अगर आप में से कोई भी आकर यहाँ पे रहना चाहते हो, नेचर कैंप में रहना चाहते हो, या फिर इसके अंदर ये जो घर आपको दिखाया जा रहा है ये आपको यहाँ पर बुक करना पड़ता है, और या फिर ऑनलाइन में आप बुक कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो यार, यहाँ पे आके यार स्टे करना चाहते हो, राइट नाइट स्टे करना चाहते हो अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो ये है भाई कॉन्टैक्ट नंबर, आप देख लो। देखो भाई सब कुछ डिटेल्स में मैं बता दे रहा हूँ, फिर बाद में ये मत कहना भाई तूने कही नहीं दूर मुझे जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर के आसपास है। अच्छी खासी धूप लगी पड़ी है। अगर काश मुझे कोई एक साइकिल वाला मिल जाता और मैं साइकिल चला के इधर से चला जाता अभी मज़ा आता, पर फिलहाल कोई आसपास है नहीं। भाई जय जगन्नाथ। हाँ भल ना सब कौटे इपटे जाइल ना कौन। हाँ हाँ नारियल का पेड़ लगा हुआ है, धूप तो खिला हुआ है, मज़ा तो थोड़ी बहुत आ ही रहा है। और अभी चल के जाके आते हैं। जय जगन्नाथ भाई। इसके अंदर ना पक्का क्रोकोडाइल सारे भरा होगा, जिसकी वजह से जो है ना, ये देखो यार पैर, क्रोकोडाइल का पैर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये जो है ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये देखो, ये सारे जो है ना इसके अंदर पानी के अंदर जितना भी पैर का निशान दिखाई दे रहा है ना वो सारे क्रोकोडाइल्स का है। तो इसके अंदर मतलब शाम होने के बाद इस रोड से जाना मतलब खतरों से खाली नहीं है भाई। ओहो ये तो भाई बड़ा डेंजर वाला बात हो गया। ये देखो बी अवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये देख रहे हो ये क्या है, बारहा जंगली सुअर। सो इसके अंदर जो है जंगली सुअर भी है। और पास में जाते हैं लोग भाग जाएंगे शायद, बड़े बड़े डियर हैं वो, देखो भाग गए ये देखो वो लोग पलट के देख रहे पूरा, शायद वो लोग पूरा फैमिली वाले हैं, पर देखते ही वो लोग जो है अंदर भाग जा रहे हैं। अंदर जाना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, पता नहीं भरा भरा क्या क्या होगा। देखो यार डियर जो है बड़ा बड़ा वो लोग जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा अंदर चला जाता हूँ सो लोग मेरा पैर का आवाज़ सुनते ही वो लोग भाग गए भाई, मैं गलत कर दिया यार। अभी शायद वो लोग उस पार जाने वाले थे पर मेरे को देख के जो है वो लोग अंदर भाग गए। ओह बड़ा यूनिक सारे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई, क्योंकि आप भीतर का निपका में हो है ना। ये देखो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बन्या विश्रामागार, मतलब जब पानी जैसे कि कुछ साइक्लोन आता है ना तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे जो जितना भी सारे गार्ड या यहाँ पे जो लोग नौकरी करते होंगे उन लोगों के लिए घर बना के रखा गया यहाँ पर, ताकि जब और साइक्लोन आए यहाँ पे वो लोग शेल्टर ले सके घर पे। और बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत घर बना के रखा गया है भाई। और थोड़ी देर पहले जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने दिखाया था, और अगर आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रहना है ना तो भाई ये देखो यार घर देखो कितना खूबसूरत कॉटेज बना के रखा गया है। और आप कॉटेज से निकलोगे ना, कॉटेज से निकलते ही आपको ये देखो भाई लाइव हिरन दिखने को मिलेगा डियर
ये देखो वहाँ पे घास चर रहे हैं भाई डियर लोग। थोड़ा अगर अंदर जा पाते तो जरूर दिखाता, पर ये देखो यार आवाज़ सुनते ही ना उनका कान खड़ा हो गया और इधर घूम के देख रहे हैं अभी। ये देखो बालकनी में बैठे रहो और सुबह सुबह अपना बालकनी से निकलो और निकलते जो है आप डियर देख सकते हो। सो अगर ऐसे घर चाहिए आपको, ये है भाई बाम्बू हट, लिखा हुआ इनगर बाय श्री एस सी मोहंती, राइट। इसको शायद रेंट पे मिलता है और इसमें सब कुछ भाई दिया हुआ है। सो अगर ऐसे घर पे आपको रहना है और यहाँ पे नाइट स्टे करना है तो नंबर मैं नीचे दे दूँगा, आप उस नंबर से आप कांटेक्ट करके बात कर लेना और बुक कर लेना, ऑनलाइन बुक होता है शायद। और अगर ऑनलाइन बुक नहीं करोगे यहाँ पे आने से ना रूम मिलेगा नहीं, वो ख़त्म हो चुका होता है। जंगल भाई इतना ज़्यादा घना है, मैंने सुना था पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई जंगल इतना घना है ना, आप अगर जंगल के अंदर चले जाओगे उस साइड में अगर बड़ा सा एक क्रोकोडाइल भी हो ना आपको दिखाई नहीं देगा भाई, और कीचड़ से पूरा भरा पड़ा है अंदर। सो अराउंड 1 किलोमीटर के बाद अभी पता नहीं कौन सा जगह में मैं पहुंच गया हूँ भाई, आगे जाके ही मैं बताता हूँ आपको, पता चलते ही मैं बताता हूँ आपको। मैं तो इसका भी नंबर मैं नीचे दे दूँगा, इससे जो है आप अंदर घूम सकते हो अगर आप बुज़ुर्ग हो या फिर फैमिली लेके आ रहे हो। देखो भाई घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के जितना सारा छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन हो पाए मैं ढूंढ के आपको मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में ये मत कहियो भाई तूने कही नहीं। और एक चीज़ तो लग ही रहा है कि शायद गर्मी के टाइम पे भी अगर इस ऐसे जगह पे आओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, इतना गर्मी होगा ही नहीं। हाँ पर ह्यूमिडिटी हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि नमकीन पानी है उसका जब भाप निकलेगा तो थोड़ा सा बॉडी में जलन होगा। ये रही भाई फ्लोटिंग ब्रिज। भाई कितने जन जाउ जंदे बोट रे, 20 जन, 20 जन आ गए मैक्सिमम, 20 जन ताड़ बेसी नहीं ना गए बेसी। सो ये है बोट भाई, जिस बोट में अगर आप अकेले जाना चाहते हो तो भी 2800 पे करना पड़ेगा और फिर 20 आदमी जाओ तो भी, राइट है ना। आओ भाई जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बोलो ना। पूरा आसे का बसंत के, हाँ मैं अच्छे हो ठीक है बसी भरी भीतर है तो बैठ के थोड़ा भाई बोल रहे हैं हमारे तो थोड़ी देर, ओ सॉरी सॉरी थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे पीछे थोड़ा बात करता हूँ भाई, थोड़ा हिल रहा है। हाँ भाई मैंने कोडू आश्चर्य राजकनिका महाकालपड़ा सेपोर्ट साइड रे आगे आगे। हां हां हो भाई माने जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सो अभी तो भाई बोट के अंदर मैं बैठा हूँ, अभी बैठ के भाई इन लोगों से बात करते ना। हो भाई कोड़ी घर कोटी आपन हम घर आगे पाखरे पाखरे एडी सब प्राय जो माने चाकरी करने समस्त लोकल लोक हो जा लोकल लोक भी बाहर लोक जो लोक अपडे हम सोसाइटी ओसे गया। हां हां सोसाइटी माध्यम रे हम जंगल रखिस तो हां हां समान करो अच्छी गाइड गाइड अच्छे क्या से रेंज अफिसर अच्छा तार मुख्य भूमिकार मुख्य भूमिकार अच्छा लोक मैंने चला भाई। ये है बोट देखो, इसमें आप भीतरकनिका के अंदर जा सकते हो और जो है बड़ा बड़ा क्रोकोडाइल्स देख सकते हो, है ना। सुनो दोस्त तो बात ऐसा है, इंसानियत को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है दुआ और दवा है ना। आप दुआ में याद रखिए, दवा दुकान से ले लेंगे। मिलता हूँ बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहें सेफ रहें, खुश रहें, उससे भी ज़रूरी हंसते रहें, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय जगन्नाथ, जय हिंद।